ग्राम गंगार किनारे एक ग्राम छिलो। ग्राम के लोगों से सची माता पूछ रही थी, ग्राम में लोग जन के सची माता जिज्ञेस कर छिलेन, क्या आपने मेरे निमाय को देखा है? कि आपने रामा निमाय के देखे से? तो ने हमने तो नहीं देखा। हमरा तो देखी नहीं। तो फिर और किसी को आपने तो देखा होगा? अन्य काओ के जिज्ञेस कर छेन, आपने तो अवश्य देखे छेन। नहीं देखा। आपने तो जरूर देखा होगा। ना आमी देखी नहीं। अन्य अनेक जन के जिज्ञेस करेछेन, आपनी तो अवश्य अवश्य देखेछेन। सभी जब कह ही रहे थे कि हमने नहीं देखा, सकले जखन बोलछिलेन ना ना आमरा निमाय के देखी नहीं, सची माता सोच रही थी, सची माता चिंता करछिलेन, वैसे ये लोग जानते हैं मेरा निमाय, ए ए सकले के आमार निमाय के जाने चिने, कहा है यहाँ से ही तो गया होगा, एकान थे के तो निमाय है तो किए छेन, लेकिन जानबूझकर मुझे बताना नहीं चाहते निमाय का वेराबाउस कहाँ है निमाय, और हम के बोलते चाहिए छे ना कि निमाय कहाँ आ छे, इसीलिए सची माता ने कहा आप निर्दय हो, आपको दया नहीं है, से जन सची माता बोलछेन आपनारा निर्दय, आपनादेर दया नहीं, निर्दय निर्दय हुआ निर्दय। पर ऐसे ना ग्रामीण नाम ही होए गए से निर्दय। नाम तो निर्दय संस्कृत में, लेकिन बंगाल के भक्त क्या कहते हैं निर्दय। संस्कृत में निर्दय, किंतु बांग्ला से वाला है निर्दय। वो निमाय ने लिया सन्यास तो उन्हें दंड और कमंडलु धारण किया। निमाय सन्यास ग्रहण करे दंड एवं कमंडल धारण करेछेन। नदिया नगरे दंड कमंडल धारण करते हैं। क्या करते हैं इस युग में भगवान?
हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार, हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार, हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार, हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। भगवान गए काटवा गए नदिया से या नवदीप मायापुर से काटवा गए काटवा। भगवान जो मायापुर थे काटवा तो गेलें और वहाँ उन्हें सन्यास ग्रहण किया, तीन सकने सन्यास ग्रहण करे चलें। सन्यास लेते ही वे सोच रहे थे मैं वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन धाम के सन्यास ग्रहण करते ही तीन चिंता कर चलें जब मैं वृंदावने जाऊँ, वृंदावने जाऊँ। में पूछ रहे थे व्हिच इज द वे टू वृंदावन, वृंदावन का मार्ग कौन सा है, रास्ता इतने जिज्ञेस कर चले वृंदावन जाओ रास्ता कौनटी, वृंदावन जाओ रास्ता कौनटी। लोग बता भी रहे थे यहां से जाओ उधर टर्न राइट सीधे जाओ टर्न लेफ्ट, तो बता रहे महाप्रभु के सकले बोलছিলেন এদিকে जान ওদিকে जान, ओदिके जान। এরকম রাস্তা দেখাচ্ছিলেন गाय को चराने वाले ग्वाले या ग्वाल बालक ही बता रहे थे रास्ते में कौन सा मार्ग है वृंदावन का। যারা গাবি বা বাছুরকে চরাতো সেই সমস্ত গোপবালকদেরকে মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করছিলেন, তখন তারা মহাপ্রভুকে রাস্তা দেখাচ্ছিলেন এদিকে সেদিকে যাওয়ার জন্য। साथ में नित्यानंद प्रभु भी थे, नित्यानंद प्रभु সাথে ছিলেন। नित्यानंद प्रभु नहीं चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाए, नित्यानंद प्रभु इच्छा छिलो ना जे महाप्रभु वृंदावन जान। और नित्यानंद प्रभु आगे जाकर बता रहे थे रास्ते में जो लोग थे ना पीछे से वो सन्यासी आ रहे हैं अपनी बूढ़ी वृद्धा माँ को घर में छोड़े और अपनी धर्म पत्नी जो युवती ही है उसको भी घर में छोड़े और ये सन्यास लेके वृंदावन जाना चाहते हैं, अच्छा है क्या? नहीं अच्छा नहीं है लोग कहते। तो आप पूछते हैं तो उनको बताना वृंदावन का रास्ता नहीं बताना, उनको कहो किस तरफ जाओ, गंगा की ओर जाओ, यही वृंदावन का रास्ता ऐसा बता दो। ऐसा नित्यानंद प्रभु ने बता दिया। तो नित्यानंद प्रभु सेखने ग्रामीण लोकजन के आगे गए बोलছিলেন যে একটু পরে একজন সন্ন্যাসী আসবেন যিনি তার ঘর ছেড়েছেন, তার বৃদ্ধ মাকে ছেড়েছেন, তার স্ত্রীকে ছেড়ে চলে এসেছেন, এটা কি ভালো জিনিস? এটা তো ভালো জিনিস নয়, তিনি এখন বৃন্দাবনে যেতে চাইছেন ঘর ছেড়ে, সেজন্য আপনারা তাকে বৃন্দাবনে যাওয়ার রাস্তা বলে দেবেন না? বলে দেবেন না, তাকে বলে দেবেন এই গঙ্গার কিনার হয়ে যেন তিনি যায়। চৈতন্য মহাপ্রভু যে পিছে সে আয়ে তো পৌঁছ রয়ে আপ জানতে হো বৃন্দাবন কা রাস্তা? হ্যাঁ হ্যাঁ জরুর জানতে হ্যাঁ, কেউ নেই আমি জরুর জানতে, ইধর যাই আপ। তো চৈতন্য মহাপ্রভু মানে সে জিজ্ঞেস করলেন তো ইধর থা, লেকিন ইধর যাই ইধর যাই, ও দিস ওয়ে। চৈতন্য মহাপ্রভু যখন এসে জিজ্ঞেস করলেন বৃন্দাবন যাওয়ার রাস্তা আপনারা জানেন? বলছেন কেন জানবো না, অবশ্যই জানি অবশ্যই জানি। তাহলে কোন দিকে যেতে হবে? বৃন্দাবন যাওয়ার রাস্তা এদিকে, তো এদিকে দেখিয়ে দিচ্ছে আপনি এদিকে যান এদিকে যান। उस रास्ते से जब चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े, चैतन्य महाप्रभु जब वही रास्ता दिए आगे गलन, तो गंगा के तट पर पहुंचे, गंगा तीर पहुंचा लेन। गंगा जब गंगा का जब दर्शन किया महाप्रभु ने, गंगा के जगन महाप्रभु दर्शन कर लें, उनको जमुना का स्मरण हुआ, उनार जमुना स्मरण हुए थे। उन्हें सोचा कि मैं तो वृंदावन पहुंच गया, चैतन्य महाप्रभु चिंता कर लें तो वृंदावन पहुंचे गए थे। ये नदी तो जमुना ही होनी चाहिए, यही तो नदी जमुना ही हाउ थे जमुना मैया के। ऐसा कहते हुए चैतन्य महाप्रभु कूद पड़े, এরকম বলতে বলতে চৈতন্য মহাপ্রভু গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হরি ওম।
रहे थे चैतन्य महाप्रभु, स्नान करते छिलेन गंगार मध्ये, इतने में उन्होंने अद्वैत आचार्य को एक बोट में बैठकर आते हुए देखा। तारपर तिनि अद्वैत आचार्य प्रभु के एकटा नौकाय करे आस्ते देखलें। महाप्रभु सोच रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु चिंता करते लागलें, अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य आप वृंदावन में कैसे, आपने वृंदावन की करे चले आसलें। नहीं नहीं, मैं शांतिपुर से आया हूँ, शांतिपुर तो सामने ही है। अद्वैत आचार्य प्रभु बोलते हैं, ना ना मैं वृंदावन ना, मैं शांतिपुर से आई, आ शांतिपुर एखान से काछे ही रहे छे। नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु समझ गए, ये तो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य के षड्यंत्र। चैतन्य महाप्रभु बुझते পারলেন এটা হলো নিত্যানন্দ প্রভু আর অদ্বৈত আচার্য প্রভুর ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়। আরে বাহ, চৈতন্য মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্য নিত্যানন্দ প্রভু শান্তিপুর ধাম কে শান্তিপুর পৌঁছ যাতে হ্যাঁ। अद्वैत आचार्य प्रभु नित्यानंद प्रभु एवं चैतन्य महाप्रभु शांतिपुरे पहुंचे गए हैं। नित्यानंद प्रभु ने पहले ही चंद्रशेखर आचार्य को भेजा था, जाओ नवदीप मायापुर जाओ और सची माता को शांतिपुर ले आना। नित्यानंद प्रभु आगे चंद्रशेखर आचार्य के पाठिए छिलेन, अपनी जान गे सची माता के मायापुर थेके शांतिपुरे निये आसबेन। और नवदीप वासी भी आ सकते हैं, समस्त नवदीप वासी आस्ते पड़े चैतन्य महाप्रभु के दर्शन और मिलन के लिए, चैतन्य महाप्रभु दर्शन एवं महाप्रभु संगे मिलित हार जन्ना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जब लिया संन्यास तो नवदीप मायापुर के लोग सभी सोच रहे थे, शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विरहे नमे। सारा नवदीप योगपीठ शून्य लग रहा था, चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिए, चैतन्य महाप्रभु के बिना नवदीप वासी महाप्रभु के छाड़ा नवदीप जन शून्य मने होच्छिल। तो जब पता चला कि अब चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में है, जखन तादेर তারা জানতে পারলেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু এবং শান্তিপুরে আছেন, নিত্যানন্দ প্রভু অদ্বৈত আচার্য চৈতন্য মহাপ্রভু শান্তিপুর লেকে আয়ে, তো সচি মাতা আর অসংখ্য হাজারো লাখো লোক সারে গৌর মন্ডল সে নবদ্বীপ মন্ডল সে মায়াপুর ধাম সে রাজাপুর সে হরি বল হরি বল। যখন জানতে পারলেন সমস্ত নবদ্বীপ বাসী হাজারো লাখো সংখ্যায় তারা শান্তিপুরে পৌঁছালেন, বা পুনা মিলন হুয়া সম্মেলন হুয়া, সেখানে সকলের মহামিলন সম্মিলন হলো। হরি বল বাবা, কীর্তন হো রহে থে, সেখানে কীর্তন হচ্ছিল। চৈতন্য মহাপ্রভু অভি তো সন্ন্যাসী থে মুক্ত হয়ে থে, চৈতন্য মহাপ্রভু এখন সন্ন্যাসী এবং তিনি এখন মুক্ত। চৈতন্য মহাপ্রভু আর বড় অধিক উৎসাহ ও উল্লাস কে সাথ কীর্তন ও নৃত্য কর রহে থে ওয়াহা, তিনি এখন অনেক আরো আগের থেকে অনেক বেশি উল্লাস এবং আরো বেশি আনন্দে তিনি নৃত্য করছিলেন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম সকালে হাতে তালি দিয়ে উচ্চ স্বরে কীর্তন করে।
है।